दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र से, जहां गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र में लगी आग विकराल रूप लेती जा रही है। अगर समय पर प्रशासन नहीं पहुंचा और आग बुझाने का उचित प्रयास नहीं किया गया तो बड़ी घटना घटित हो सकती है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर मुख्य अपडेट है कि मुकुंदपुर से लगी आग गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के बांसा गांव तक पहुंच चुकी है। आग इतनी भयानक है कि इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि रीवा सहडोल सड़क को भी आग पार कर चुकी है। अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया गया तो बांसा गांव का देविन टोला, परोहन टोला, कुलान टोला आग की चपेट में आ जाएंगे। आपको बता दें कि सतना जिले के मुकुंदपुर में किसी असामाजिक तत्वों ने आग लगाई थी, जो कई वाहनों को चपेट में लेते हुए गाँव तक पहुँच चुकी है। स्थानीय लोगों की सूचना पर रीवा से फायर ब्रिगेड भेजी गई है। आग के विकराल रूप को देखते हुए क्षेत्र में दहशत का माहौल है। दोनों तरफ आवागमन बंद कर दिया गया है। एक ही मारा। ये आग लगी है परवारू से, यहाँ से लगभग 2-3 किलोमीटर दूर, और आग लगते हुए इस आग के कारण लगभग कम से कम नहीं तो 1 करोड़ रुपए का नुकसान, इस आग से 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गोविंदगढ़ यहाँ नगर पंचायत क्षेत्र है, नगर पंचायत क्षेत्र की फायर ब्रिगेड आज लगभग महीने डेढ़ महीने से लोग बता रहे हैं खराब है, लेकिन आज फायर ब्रिगेड गोविंदगढ़ से नहीं मिली। और जिस टाइम से आग लगी है उस टाइम के पहले से ये सरकार की जो विद्युत व्यवस्था है ना, ये इतनी बुरी तरह से है कि 2 बजे से आग लगी है, 2 बजे से उसके पहले 1:30 बजे से लाइट बंद है, अभी तक आग लगी है। आप उधर देखिए कैमरा खुला के, अभी भी जल रही है और लाइट की ये कंडीशन है, 2 बजे से लाइट बंद है। ये ट्रक भांजे का ट्रक खड़ा हुआ था इस आग के कारण, ये अभी परसों ट्रक आया है आग के कारण। इस ट्रक की कंडीशन आप लोग को दिखा सकते हैं, उधर ट्रक बिल्कुल एकदम धू धू करके पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, पूरी तरह से किसी का प्रशासन का अमला पहुंचा, दमकल की टीम पहुंची कि नहीं? आग लगने के बाद ये पूरी क्षति होने के बाद प्रशासन का अमला लगभग 1 घंटे बाद प्रशासन का अमला पहुंचा है। लगभग कितने घर जल के खाक हो गए, पेड़ भी आग लगी है? 3 बगीचे आम के लगे हुए बगीचे वो बिल्कुल एकदम जल के खाक हो गए हैं। रास्ते में आग जिन जिन घरों को चपेट में लेते चली आई है, बिल्कुल पूरा घर जल के खाक हो गए हैं। और बाकी यहाँ की कंडीशन जहाँ पे आप करंट पे खड़े हुए हैं, अपना ये ट्रक भी जल गया, घर भी जल गया, बहुत कुछ घर का सामान बाहर, घर के अंदर तो ज़्यादा आग नहीं जा पाई, लेकिन बहुत कुछ सामान जल के राख हो गया। आप अपने से आग बुझाए हैं? अपने से फायर, वो भी आया था क्या कहते हैं उसको, फायर ब्रिगेड भी आया था, वो भी बुझाया, कुछ बुझाया है। बाकी अपने से जनरेटर लगा के बुझा रहे हैं, वो थोड़ा सा एक टंकी जलाया चला गया। और घटना के कितने घंटे बाद? अरे 1.5 घंटे बाद नहीं, 5-4 घंटे बाद। सोचिए 4 घंटे बाद हुआ यार। नाम क्या आपका? ब्रजेश तिवारी। दिस बुलेटिन इज स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा।